Hi students, I am Mrs. Santosh Narang, Standard 3rd EVS teacher. Students, in this second part of EVS lesson 2 Plant Fairy, I have given you some homework in the form of fill-ups, true-false, MCQs and matching. If you have listened the lesson attentively, you can do it yourself. I have read this MCQs and everything for you so that you can understand it easily. I hope you can do it. Write down all these answers in your rough book and try to do it your own. These are very easy. बच्चों अगर आपने लेसन को ध्यान से सुना है, अगर नहीं सुना है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, लेसन टू का एक्सप्लेनेशन देखो प्लांट फेरी का, और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो. इनके आंसर आप अपनी रफ बुक में लिख लो, बाद में मैं इनके आंसर आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको इन्हें खुद करना है. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द लेसन. नाउ हेयर आई एम गिविंग यू होमवर्क. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द प्रोवाइडेड बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. फोर ऑप्शंस आर हेयर, यू हैव टू फाइंड आउट द विच इज द राइट आंसर. एम्बली पिपली, हाइड एंड सीक, अंताक्षरी, कैच कैच, डॉट बॉल. सेकेंड क्वेश्चन, विच प्लांट डिड द गर्ल्स टच अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्लांट फेरी. मारीगोल्ड एंड जैस्मिन, मेहंदी एंड नीम, मेहंदी एंड ग्रास, मैंगो एंड नीम. थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन. ऑन अ ब्रांच, ऑन फ्लावर्स, ऑन द ग्रास, ऑन अ ट्री. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज द थिकेस्ट ट्रंक. नीम, मैंगो, अशोका, बनियन. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट सीन इन गार्डन्स. रोज, वीट, पेरीविंकल, मेहंदी. सिक्स्थ, द ट्विग्स ऑफ विच ट्री डू वी यूज एज टीथ क्लीनर्स. मैंगो ट्विग्स, बनियन ट्विग्स, अकेशिया मीन्स बबूल ट्विग्स, अशोका ट्विग्स. क्वेश्चन सेवन, द लीव्स ऑफ विच ट्रीज आर यूज टू मेक डेकोरेटिव गारलैंड्स मीन्स तोरंस. नीम लीव्स, बनियन लीव्स, अशोका लीव्स, बनाना लीव्स. विच प्लांट इज यूजफुल एज मेडिसिन. बासिल, बोगेनविला, मैरीगोल्ड, कैरन. आई हैव गिवन यू 8 MCQs. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स. क्वेश्चन 2, फिल इन द सेकेंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट, द इम्प्रेशंस ऑफ थिंग विद अ डैश सरफेस इज ईजी टू ऑब्टेन. आई हैव टॉट यू दिस इन दिस लेसन एंड आई थिंक यू नो दिस आंसर. क्वेश्चन 2, डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स लीव्स इज सीन मोर ऑन डैश स्प्रेड ऑन बेड्स. क्वेश्चन 3, द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल थिन एंड हैव सॉ लाइक एज इज द डैश. 4, व्हेन लीव्स ऑफ डैश आर एडेड टू टी दे गिव अ गुड फ्लेवर. 5, प्लांट्स लाइक बासिल, पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज डैश. 6, प्लांट्स लाइक बनियन, नीम, मैंगो एंड अकेशिया आर नोन एज डैश. 7, द कलर ऑफ डैश ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन.
All these are very easy questions. You try to find out these. I will give you all these answers in the next video, but first you have to find out the answers. Now my third question is, put a right mark in front of the statements that are true and wrong in front of those that are false. Means it is a true false question. Think and give the answer. Question 1. The children played amblypipply in the garden. Do they were playing amblypipply? Yes or no? Okay. Find out this answer. Question 2. The garden in which the children played the game of plant fairy had plants like neem, mehndi and jasmine. Yes or no? You have seen picture of the garden. So try to give the answer. Third, the trunk of a rose plant is thick. In your previous classes, you have learnt about this, which type of plant rose is. So its trunk is thick or thin? You have to give the answer. Fourth, the leaves of a peepal tree are small, thin and have saw-like edges. Children, you got it? It is peepal tree. Which type of trunk it has? Question 5. The impression of a smooth and soft trunk is easy to take. Is it easy? I have given this answer in the video. Number 6. The shape, color and edge of every leaf is different. Number 7. The leaves of neem are bitter to taste. Yes or no? Is it they are bitter or sweet? Okay, I think you know it. So now next question is very easy for you, and children take interest in this question also. Yes, it is matching. Match the columns appropriately. In column A, there are 4 types of leaves. And in column B, some names are given. Names of trees are given. You have to match the name of the tree with the leaf it has. So, I have given the names of trees like banyan, mango, peepal, ashoka and neem. I have given you 4 leaves, but trees are 5. You have to find which is a extra tree name here. Okay, I think you got it. So you have to give all these answers in, you have to write these answers in your notebook. In my next video, I will tell you all these answers. We will tell you our answers, and you can get checked from your mothers also. So till then, goodbye, be safe, be healthy.